इस बीच आशंका जताई गई कि गाजा की सुरंगों में समंदर का नमकीन पानी भरने का इजराइल का प्लान बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। इजराइल हमास के लड़ाकों को सुरंगों से बाहर निकालने के लिए सुरंगों में समंदर का खारा पानी भर रहा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसकी वजह से गाजा में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी और गाजा में लाखों लोग प्यास से मारे जा सकते हैं, क्योंकि इजराइल के सैनिकों ने हमास की सुरंगों में समंदर का पानी भरना शुरू कर दिया। इसके लिए इजराइल की फौज ने बड़ी तैयारी की। इजरायली सैनिकों ने उत्तरी गाजा में भूमध्य सागर के किनारे मौजूद गाजा के कई इलाकों में बड़े बड़े पंपिंग सेट लगा दिए। हमास की सुरंगों में पानी भरने के लिए लगाए गए एक पंपिंग स्टेशन से सामने आए वीडियो में काले रंग के मोटे मोटे रबर के दो पाइप दिखाई दिए। इजराइल के सैनिकों ने पंप से जुड़े उन पाइपों को सीधे हमास की सुरंगों में डाल रखा था। पंपिंग सेट का बटन दबाते ही उन पाइपों से होते हुए समंदर का लाखों लीटर पानी हमास की सुरंगों में गिरने लगा। सुरंग के अंदर पानी भरने का जो दूसरा वीडियो सामने आया, उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां धरती फट पड़ी हो और पानी की धारा सीधे पाताल से निकल रही हो। यानी हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल ने समंदर के पानी को भी हथियार बना लिया, ताकि बीते दो महीने से ज्यादा वक्त से छिड़ी जंग में जीत दर्ज की जाए और सुरंग में छिपे हमास लड़ाकों को खत्म कर दिया जाए। और खबरों के मुताबिक इसके लिए बीते 10 दिन से इजराइल ऐसे कई पंपिंग सेट के जरिए हमास के सुरंग लोक में समुद्र का खारा पानी भरने में जुटा है। माना जाता है कि हमास ने गाजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इजराइल के मुताबिक हमास की सुरंगों का नेटवर्क गाजा के हर हिस्से तक फैला है और उन्हीं सुरंगों में हमास के कई लड़ाके छिपकर बैठे हैं। पूरे गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही इजराइल के सैनिक भूमध्य सागर के खारे पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गाजा तीन तरफ से इजराइल से घिरा है। इसके दक्षिण में मिस्र है, जबकि पश्चिम में भूमध्य सागर है, और इसके खारे पानी को इजराइल के सैनिक हमास की सुरंगों में भर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सुरंगों में समंदर का पानी भरने से गाजा में ऐसी तबाही आएगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा की सुरंगों में समंदर का नमकीन पानी भरने से वहां पीने के साफ पानी की बहुत भारी किल्लत आ सकती है, जो किसी हथियार से ज्यादा मारक साबित हो सकती है। क्योंकि जिस रफ्तार से गाजा की सुरंगों में पानी भर रहा है, उससे आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द हमास की सभी सुरंगें नमकीन पानी से भर जाएंगी। खबरों के मुताबिक उत्तरी गाजा में हमास की सुरंगों में पानी भरने के लिए इजराइल ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रबर के पाइप बिछा रखे हैं, और समंदर से पानी खींचने के लिए इजराइल जिन पंपों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें हर घंटे लाखों लीटर पानी खींचने की क्षमता है। आमतौर पर ऐसे बड़े बड़े पंप नदियों से नहरों में पानी छोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन पंपों के जरिए बहुत जल्द हमास की सुरंगों में लबालब पानी भर जाएगा और वो तबाही लाने वाला साबित होगा, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि कई फीट गहरी सुरंगों में पानी भरने से जमीन के नीचे का पानी नमकीन हो सकता है, जिससे पूरे गाजा में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है और लाखों लोग प्यास की वजह से मारे जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की किसी भी चेतावनी की फिक्र इजराइल को नहीं है। इजराइल की फौज हमास की सुरंगों में पानी छोड़ने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। इजराइल को उम्मीद है कि इससे हमास के साथ चल रही जंग को वो अपने इस प्लान के जरिए नतीजे तक पहुंचा सकती है और हमास को घुटनों पर ला सकती है। 7 अक्टूबर से छिड़ी जंग के बाद से ही इजराइल की फौज को हमास के बड़े नेताओं की तलाश है। इजराइल से बंधक बनाकर लाए गए 100 से ज्यादा लोग भी हमास के कब्जे में ही हैं। इजराइल की फौज को लगता है कि हमास की जान गाजा की धरती के नीचे बसे उसके पाताल लोक में, यानी 500 किलोमीटर में फैली सुरंगों का अंत अगर इजराइल ने कर दिया तो वो हमास के पैरों के नीचे से जमीन खिसका सकता है। इसीलिए उसकी कोशिश है कि इन सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ दिया जाए। इजराइल की फौज कुछ सुरंगों में पानी छोड़ने का वीडियो भी जारी कर चुकी है। इजराइल को लगता है कि अगर सुरंगों में पानी छोड़ दिया गया तो हमास के लड़ाकों को मजबूरन सुरंगों से बाहर आना पड़ेगा, यहाँ तक कि जमीन के नीचे बसा हमास का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए इजराइल इस जंग को खत्म करने के लिए सुरंगों को खत्म करने की कोशिश में है। हालांकि हमास ने दावा किया कि सुरंगों में समंदर का पानी भरकर भी इजराइल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमास ने यहां तक कह दिया कि पूरे गाजा में फैली उनकी सुरंगें समंदर के पानी को भी झेल सकती हैं।
यानी हमास ने खुली धमकी दे दी कि सुरंगों में पानी भरकर भी इजराइल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के एक बड़े नेता ने दावा किया कि गाजा में सुरंगों को इसलिए बनाया गया था ताकि इजराइल के सैनिक उनके लड़ाकों को पकड़ न पाए। हमास नेता ने यह भी दावा किया कि सुरंगों को बनाते वक्त समुद्र से पानी छोड़े जाने का भी ध्यान रखा गया था। यानी हमास ने इजराइल से टकराने और सुरंगों को अपना सुरक्षा कवच बनाने की तैयारी लंबे वक्त से कर रखी थी। हमास के नेता ने तो दो टूक कहा कि जब तक पूरी तरह से सीज फायर नहीं होता तब तक हमास किसी भी बंधक को न छोड़ेगा और न ही कोई बातचीत करेगा। मतलब ये कि हमास इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। लेकिन हमास और इसराइल के बीच जारी युद्ध के दौरान मौसम की मार गाजा के लोगों पर पड़ रही है। गाजा के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से परेशानी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि बारिश के बाद तबाह हो चुके गाजा के कुछ इलाकों में चारों तरफ कीचड़ नजर आने लगा। सड़कों पर, शरणार्थी कैंपों में और वहां लगे टेंटों के अंदर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दिया। इसराइल के हमलों में अपना घर गंवा चुके लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन बारिश ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। गाजा से सामने आए एक वीडियो में टेंटों में रह रहे लोग प्लास्टिक के तिरपाल के जरिए बारिश की बूंदों को रोकने की कोशिश करते दिखे। बढ़ती ठंड के बीच आसमान से पड़ रही बारिश गाजा में रह रहे लोगों के लिए किसी बम से कम नहीं है, क्योंकि न तो उनके पास सिर छुपाने के लिए छत है और न ही उनके पास कपड़े। सबसे ज्यादा मुसीबत बच्चों और महिलाओं के लिए है, जो बीते दो महीनों से ऐसे ही शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बा सरजू पावनी, अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल, इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।